हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज एक नए चैप्टर की चर्चा करनी है, ठीक है ना। रिवीजन में दो चैप्टर हो चुके हैं, फाइनेंशियल मार्केट और स्टाफिंग। अब वो अभी एक छोटा चैप्टर और करना है, जैसे कि बताया गया था कि एक बड़ा चैप्टर करेंगे फिर दो छोटे चैप्टर। तो बेटा आज मैं ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट कर दूं। है छोटा चैप्टर है, 5 लेक्चर लगेंगे, सिक्स नहीं लगेगा। मेरी तरफ से केस स्टडी में आएगा सिक्स लेक्चर, 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा और कोशिश करूंगा 4 में हो सके, इतना ही है। ठीक है जी? हाँ सर, कोई नहीं, किसी के कहने से क्या होता है या आपके कहने से क्या होता है। मैं वैसे बता देता हूँ, हर टीचर का कराने का तरीका है, मेरे कराने का तरीका बहुत अलग है। मुझे तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत फेवरेट में से एक लगता है कि जितनी जल्दी खत्म कर दूंगा ऐसा तो सोचोगे नहीं तुम। चलो जी बाबू, सब सामने देखते रहना। अभी आपको ये भी नहीं पता होगा आप कहां से शुरू कर रहे हो, सर छोड़ दो इसको प्लीज, अब आप सामने देख लो, ठीक है ना। पता लग जाएगा 5 से 10 मिनट के बाद कहां पर है। बेटा सबसे पहले कंपेयर करेंगे दो चीजों को, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा कभी आपने अगर पढ़ा है तो फ्योल का एक प्रिंसिपल भी है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैं वहीं से चर्चा को शुरू करूंगा, ठीक है जी। जब पहुंच जाओगे किसी टॉपिक पे तो बता दूंगा कहां पहुंच चुके हो, अभी आपको सीक्वेंस नहीं पता कुछ भी। बेटा सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेटा सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ टॉप लेवल ओनली। अगर डिसीजन मेकिंग पावर एक इंसान करे हम उसको भी सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ही लोग करें बेटा उसको भी सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, और डिसीजन मेकिंग पावर बेटा टॉप लेवल करे हम उसे भी सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। एक इंसान कर लो, कुछ इंसान कर लो, सिर्फ टॉप लेवल कर लो, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन के हाथ में पावर है डिसीजन की, तो ये सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? बेटा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां आप डिसीजन मेकिंग पावर को बांट देते हो टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है बेटा? डिस्पर्सल ऑफ पावर टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। पावर आपके पास थी, आपने बांट दी, बेटा इसके पास आई इसने बांट दी, इसके पास आई इसने बांट दी, और ये पावर तब तक बढ़ती रहेगी जब तक लोएस्ट लेवल पे ना आ जाए। बेटा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, समझ में आ रही है बेटा बात। अच्छा अच्छा क्या होता है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइजेशन? बेटा ये डिपेंड करता है, कभी ऐसा बोलना नहीं है कि सेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है या डिसेंट्रलाइजेशन, सब कुछ भी अच्छा नहीं होता। वरना देखो मेरे पास दोनों के बुरे होने के एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। बाबू आप ये सोचो, आपका स्कूल है, ठीक है ना बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सारे डिसीजंस अगर अकेला प्रिंसिपल ले तो ठीक है, सभी डिसीजंस, मतलब वो स्कूल में एडमिशंस कर रहा है, ठीक है, वो तो उसको करने चाहिए, वो कर रहा है बेटा। स्कूल में टीचर की अपॉइंटमेंट भी देख रहा है वो, ठीक है, उसको करना भी चाहिए, वो कर रहा है। लेकिन वो ये भी देख रहा है बेटा किस क्लासरूम में पोछा लग गया। बेटा अब वो प्रिंसिपल को सोचो, ठीक है, जो वो काम उसको करने चाहिए वो तो वो कर ही रहा है, लेकिन वो ये भी देख रहा है बेटा हर क्लासरूम में पोछा लग गया, आज 4th ग्रेड स्टाफ आ गया, आज लाइब्रेरी में बुक प्लेसमेंट ठीक हो गई, आज हर क्लासरूम में चौक रखी गई। बेटा अगर ये काम वो देखे तो क्या ठीक है? ये तो नहीं करना चाहिए ना उसको। बेटा ये होती है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, या छोटे से छोटा काम आपका, या बड़े से बड़ा काम आपका, या रूटीन जॉब्स भी आपकी है, या स्ट्रेटेजिक प्लान्स भी आपके हैं, सब कुछ आपका है, आप ही देखो। समझ में आ रहा है बेटा? अच्छा है? अच्छा तो नहीं है। अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है क्या? सर लगता होगा दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है ना सर, ये भी अच्छा नहीं होता अगर देखा जाए तो। बाबू आप खुद सोचो, मैं कहता हूं बेटा 4th ग्रेड का काम है, आए स्कूल की साफ सफाई देखे, थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह देखे, ये उनका काम है। आप उनको कह रहे हो प्रिंसिपल ने एडमिशन करने थे, प्रिंसिपल ने अपनी पावर बांटी वाइस प्रिंसिपल को कि तू कर दियो एडमिशन,
उन्होंने कहा ठीक है, उसने अपनी पावर बांटी, उसने स्ट्रीम हेड्स को पावर दे दी आप कर देना, उन्होंने कुछ सीनियर टीचर को बांट दी कि आप कर देना, करते करते पावर बढ़ गई फोर्थ ग्रेड तक। इंसान कल झाड़ू पोछा मारता था, आज वो एडमिशन कर रहे, ठीक है, बढ़िया। डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, आप तो चाहोगे आपका तभी हो सकता है एडमिशन, आपको ही पता है प्रिंसिपल लेगा तो नहीं होगा एडमिशन, ठीक है ना बाबू। तो बाबू अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना सेंट्रलाइजेशन अच्छा हुआ ना डिसेंट्रलाइजेशन। सर मैंने बोला ना डिपेंड करता है, देखो आइडियल सिचुएशन ये है एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पार्शली सेंट्रलाइज्ड एंड पार्शली डिसेंट्रलाइज्ड। आइडियल सिचुएशन ये है, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर पार्शली सेंट्रलाइज हो पार्शली डिसेंट्रलाइज हो तभी अच्छा है। एज फार एज स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर कंसर्न्ड बेटा, अगर वो टॉप लेवल ही बनाए ना, ऑब्जेक्टिव सेट टॉप लेवल ही करे तो भी अच्छा है। और एज फार एज रूटीन जॉब्स आर कंसर्न्ड बेटा, वो लोअर लेवल करे, वो वर्कर लेवल करे तभी अच्छा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिक्स होना चाहिए दोनों का, पार्शली सेंट्रलाइज्ड हो पार्शली डिसेंट्रलाइज्ड हो, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर बोलना ही है तो बेटा सेंट्रलाइजेशन ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छा माना जाता है जहां ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत कम है, बहुत स्मॉल साइज है, या 10 20 50 वर्कर काम करते हैं, हाँ बेटा एक आदमी डिसीजन लेना तो ही अच्छा है। सब बनेंगे ना बेटा हीरो तो गड़बड़ी होगा। जैसे बेटा आप एग्जांपल सोच सकते हो, क्रिकेट टीम 10 11 लोग हो ना यार, एक ही डिसीजन ले तो ज्यादा अच्छा है, सारे तो नहीं ना बन सकते ना कैप्टन, और सोचे हम भी पार्टिसिपेट कर ले, हम भी कुछ डिसीजन दे दे, सर खराबी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और बेटा अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक बेटा कोई भी बैंक सोच लो, कितनी फैली हुई ऑर्गेनाइजेशन है, सर ऐसी सिचुएशन में डिसेंट्रलाइजेशन ही अच्छा है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सेंट्रलाइजेशन बना है, और बेटा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन। आपको इंट्रोडक्शन क्लियर कर दिया, डेलीगेशन का भी इंट्रोडक्शन बताते हैं, समझने की कोशिश करना। डेलीगेशन का भी मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन का भी मतलब यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्क क्या है दोनों में बेटा? देखो मैं पक्का बता देता हूं, हमेशा सेंट्रलाइजेशन के सारे डिसीजन को ले रहा था, रूटीन जॉब्स भी और बेटा स्ट्रेटेजिक प्लान ऑब्जेक्टिव खतरनाक काम भी खुद कर रहा था। तो आप ये आपको शायद आइडिया हो तो बेटा 14 घंटे 15 घंटे क्यों? क्योंकि रोटी साल इसने काम किया इस पोस्ट पे, सब डिसीजन नहीं किए, एक एक्सटेंड के बाद इसको लगे नहीं ना पागल लगा, अगर मैं ऐसे काम करता रहूंगा तो इसको लगा यार ये नहीं है तो बहुत प्रेशर तो भाई माउंटिंग हो रहा है, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। ऑब्जेक्टिव करने वाला काम अपने पास रख लेना चाहिए, रूटीन जो उसको किसी और को दे देना चाहिए, तो जो मेरा काम संभाल जो देगा ये रूटीन जॉब से स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं दे देगा आपको, ठीक है जी। बांट दिया काम, तो काम तो इसने भी बांटा, काम इसने भी बांटा, पर इनके बांटने का बेटा एक अंतर है अगर आप सोच पा रहे हो बेटा। यहां तो बोला जाता है काम बांटो नहीं, खाली लोएस्ट लेवल तक बांटो, आखिरी लेवल जब तक बांटो
क्या अंतर रहेगा अगला लेवल भी घटना अगर बोलो तो बेटा किसका स्कोप नैरो है और किसका वाइड है तुम ही बोल दो, मैं क्या बोल दू कैसा है बेटा नैरो पेपर में मैंने आपको उसके बाद स्टेटमेंट को दी थी इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई बाय मैन ऐसी स्टेटमेंट आती है और कहा जाता है एक्सप्लेन करो क्या बोल रहा हूं बेटा मैं इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई बाय टू बेटा इसका मतलब क्या कहता है डेलीगेशन में दो से गुना करते हैं ये मतलब नहीं इसका इसका मतलब ये बेटा डेलीगेशन में काम जब बढ़ता है तो दो ही लेवल इन्वॉल्व होते हैं एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाई बाय मैनी लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जब काम बढ़ता है तो सिर्फ दो लेवल में नहीं मल्टीपल लेवल जाएंगे बेटा समझ में आ रहा है नैरो स्कोप वाइडर स्कोप इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई बाय टू इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाई बाय मैनी ठीक है जी एक और बात सुनना बाबू जब यहां काम बांटा जाता है ना तो बाबू आप आजाद नहीं हो जाते जब काम बांटा गया है तो बेटा आपकी जवाबदेही भी तय की जाएगी आप अकाउंटेबल भी हो उस काम के लिए आपका सुपीरियर कुछ ना कुछ दिन के बाद आपसे अपडेट मांगेगा जो मैंने काम दिया था उसका हुआ क्या यानी कि बेटा डेलीगेशन में क्या होता है मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर दैट मींस लेस फ्रीडम इज गिवन टू द सबॉर्डिनेट्स बेटा ज्यादा कंट्रोल रहता है तो बाबू आपको थोड़ी सी आजादी दी जाती है बस ठीक है जी बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है बेटा डिसेंट्रलाइजेशन में आपके अपर लेवल के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आपसे काम की बात ही कर ले एक बार जो दे दिया बस वो आपका हो गया आप जानो आपने क्या किया उसके लिए इतना टाइम ही नहीं होता क्योंकि ये बेटा सुटेबल ही उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है टाइम ही नहीं है बात करने का तो बेटा यहां जब आपके पास काम आ जाता है तो आप उसके खुद मालिक हो क्या करना है आपने खुद देखना है दैट मींस मोर फ्रीडम इज गिवन टू द सबॉर्डिनेट दैट सिंपली मींस लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर सर यहां कंट्रोल नहीं होता सुपीरियर का उसका टाइम भी नहीं है कंट्रोल करने का बात सच में ही है ठीक है ना अभी मैं एक एग्जांपल दे दूं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी कर देता हूं बेटा ये बैंक ही समझ कर चलो और ये समझ के चलो ये ब्रांच मैनेजर है किसी भी एक ब्रांच का इसके ऊपर बैठे हुए लोग बहुत खतरनाक खतरनाक है ये रीजनल मैनेजर है ये एरिया मैनेजर है ये जोनल मैनेजर है और इसके भी पापा ऊपर बैठे हुए जनरल मैनेजर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मैं कहता हूं इसके पास ना एक लोन की फाइल आई ठीक है जिस लोन की फाइल में 50 लाख रुपए का लोन के लिए इंसान ने अप्लाई किया और इसकी पावर भी है 50 लाख का लोन करने की पर ये समझ नहीं पा रहा उस सिचुएशन में लोन करे ना करे क्योंकि पेपर वर्क पूरा नहीं है पर अगर प्रैक्टिकल रियलिटी देखो क्लाइंट का काम बहुत अच्छा है मैं समझ नहीं पा रहा इसने आरएम को कॉल करा सर आपसे एक फाइल डिस्कस करनी थी कि लोन करूं या ना करूं आरएम का जवाब पता है क्या है जैसे तेरी एक ब्रांच है ना मेरे नीचे 200 ब्रांच है अगर मैं सारे ब्रांच मैनेजर की सुनने लग गया ना लोन करूं या ना करूं तो मैं तो लगा रह जाऊंगा यू आर क्लोज टू द ऑपरेशन एंड यू मस्ट टेक डिसीजन आपने 15 दिन फाइल को स्टडी करा आपने क्लाइंट की साइड देखी सब कुछ आपने करा यू आर क्लोज टू द ऑपरेशन ना तो आप खुद डिसीजन लो मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो 200 ब्रांचेस का काम अगर 200 ब्रांच मैनेजर मुझे कॉल करने लगे तो मेरा क्या होगा टाइम ही नहीं है भाई समझ पा रहे हो इस चीज को बाबू यहां पर लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर दैट मींस मोर फ्रीडम इज गिवन टू द सबॉर्डिनेट्स ठीक है जी बेटा अगर मैं इंटेंट की बात करूं ना इन दोनों की इंटेंट में भी फर्क है देखो देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं लेकिन इंटेंट में बहुत फर्क है बाबू इसके इंटेंट पता क्या है इसके इंटेंट ये है कि ना ये इंसान ना अकेला वर्क प्रेशर झेल नहीं पा रहा था तो इसने काम बांटा सर नो इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन परफॉर्म ऑल द टास्क अलोन कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ मुकेश अंबानी अकेला चला लेगा रिलायंस फिर जितने मर्जी पढ़ लिख जाओ दुनिया जान की किताबें पढ़ जाओ कोई इंसान अकेला पैदा ही नहीं हुआ ऑर्गेनाइजेशन अकेला चला नहीं चला सकता ना तो बेटा डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी टास्क ये कंपल्सरी टास्क है एक एक्सटेंट पे आके आपको लगेगा कि मुझे काम बांट देना चाहिए
लेकिन बेटा काम को बांटना जरूरी है, मैं भी समझता हूं, लेकिन काम को लोएस्ट लेवल तक बांटना ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। तो बाबू ये एक कंपलसरी टास्क है और ये एक ऑप्शनल टास्क है, ठीक है ना? चाहे दोनों का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, पर बेटा ये कंपलसरी चीज है और ये ऑप्शनल चीज है। काम को बांटना जरूरी है, आप भी समझेंगे इस बात को, लेकिन लोएस्ट लेवल तक बांटना ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि लोएस्ट लेवल तक ही बांटना है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी रही होगी तब इन्होंने लोएस्ट लेवल तक काम को बांटा, ठीक है ना जी? बेटा यानी कि डेलीगेशन जब किया जाता है ना उसके इंटेंट ये होती है लेसन द बर्डन ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर का बर्डन कुछ कम कर देते हैं हम, इसलिए डेलीगेशन किया जाता है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया जाता है? ये बर्डन कम करने के लिए नहीं हो रहा काम, बर्डन कम करने के लिए तो यहां तक बांट देते, हो जाता बर्डन कम। बेटा ये सबॉर्डिनेट का रोल बढ़ाने के लिए हो रहा है काम, कि हम चाहते हैं कि इसका रोल बढ़े ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी कुछ सीखे ऑर्गेनाइजेशन से, ये इसलिए हो रहा है। समझ में आ रही है बेटा सारी बात? मैंने बहुत सारी बातें कर दी, मेरा ख्याल डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पे डिफरेंसेस भी काफी क्लियर करने की कोशिश करी। बेटा आप ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में बिल्कुल लास्ट पेज पर, बिल्कुल लास्ट पेज पर, और वहां डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस लिखा गया है वो पढ़ना आकाश। बेटा अब बढ़ाते हैं बात को आगे, दो टॉपिक अब साथ साथ शुरू करेंगे, साथ साथ खत्म कर देंगे, ठीक है ना? अभी देखो जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने बोला कि मैं 5 लेक्चर में खत्म कर दूंगा, आपको सरप्राइज भी होगा, 10-12 पेज का चैप्टर है, एवरेजली एक दिन में कोई एक पेज ही करा सकता है। सर कराने का मेथड ऐसा होगा आपको पता नहीं लगेगा, हम दो दो टॉपिक साइमल्टेनियसली पढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 10 टॉपिक ऐसे खत्म होंगे, अब अभी नहीं आएगी बाबू। अब मेरे पास ना इन दोनों ही टॉपिक की एडवांटेजेस हैं, ठीक है ना? मुझे इंपॉर्टेंस डेलीगेशन की भी बतानी है, मुझे इंपॉर्टेंस डिसेंट्रलाइजेशन की भी बतानी है, ठीक है जी? आ जाओ बेटा पेज पीछे से पलटने शुरू करो, 2 पेज पलट लो, एक टॉपिक लिखा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, ठीक है जी? और ज्यादा बेटर तब हो जाए आपके लिए जब आप एक काम और कर दो बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एक पेज छोड़कर है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों पेपर हाथ में पकड़ लो आराम से, क्योंकि अगर आपको बिलीव नहीं है कि ये एक है तो पहले मैं यही दिखा दूं कि ये एक है बाबू। पहली इंपॉर्टेंस डेलीगेशन में लिखी गई है इफेक्टिव मैनेजमेंट, है ना? उधर पढ़ना बेटा फोर्थ हेडिंग, हेडिंग लिखी गई है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। मैं आपको बता देता हूं बेटा, मैं एक हेडिंग बताऊंगा और दूसरी आराम से खत्म हो जाएगी, यानी कि जब रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट है वहां लिख दो 1, 1 का मतलब है डेलीगेशन की 1 कॉपी मारनी है यहां पर। सर उधर दूसरी हेडिंग लिखी गई है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ठीक है ना? और इधर सर थर्ड हेडिंग लिखी गई होगी डेवलप मैनेजीरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, सेकेंड है इधर, सेकेंड है बेटा डेवलप मैनेजीरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। उधर थर्ड हेडिंग लिखी गई है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, और इधर सर फर्स्ट हेडिंग लिखी गई है, ठीक है ना, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। उधर फोर्थ हेडिंग लिखी गई होगी फैसिलिटेट ग्रोथ शायद, ठीक है ना? और उधर फिफ्थ हेडिंग लिखी गई होगी बेटा, इधर बेटा सिक्स्थ हेडिंग है, फिफ्थ नहीं, फिफ्थ की बात नहीं है, 5 कॉपी है, शुरू की 4 हो गई, सिक्स्थ लिखी गई है बेटर कंट्रोल, उधर लिखी गई होगी बेटर कोऑर्डिनेशन, सिक्स्थ नंबर परिषद, ठीक है ना? यानी कि इधर की फिफ्थ हेडिंग अलग है, उधर की थर्ड हेडिंग अलग है, बाकी कट कॉपी पेस्ट सब कुछ सेम, ठीक है जी? पढ़ते हैं आराम से, समझते हैं चीज को, क्या चीज है ये बेटा, सब सामने देख रहे हैं पुत्र, सब सामने बाबू। सबसे पहली हेडिंग लिखी गई है इधर इफेक्टिव मैनेजमेंट, उधर लिखी गई है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, बेटा सब सामने देखना। कहते हैं मैनेजमेंट बड़ा अच्छा हो जाता है डेलीगेशन की वजह से, और ये कहता है डिसेंट्रलाइजेशन जैसे टॉप लेवल फ्री हो जाता है। सर ऐसा क्यों? देखो बेटा जब आप डेलीगेट करते हो ना कुछ भी काम, तो बेटा देखो आपके दिमाग में क्या रहता है कि इनिशियली आपके ऊपर बर्डन दोनों चीजों का था, रूटीन जॉब्स का भी और स्ट्रेटेजिक प्लान का भी, पर हमेशा रूटीन जॉब्स क्वांटिटी में ज्यादा होती हैं, ठीक है ना? स्ट्रेटेजिक प्लान इतने ज्यादा नहीं होते, तो
तो वो आपने क्या करा, आपने डिसाइड किया कि मैं स्ट्रेटेजिक प्लान्स को रिटेन करूंगा, वही खुद करूंगा, बाकी रूटीन जॉब्स मुझे बांट देनी चाहिए, डेलीगेट कर देनी चाहिए। तो बेटा आपने रूटीन जॉब उठाकर अपने से नीचे वाले लेवल को बांट दी। जैसे ही आपने बांटी, मुझे सच बताना क्या टॉप लेवल फ्री हो गया कि नहीं हो गया फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क? टॉप लेवल फ्री हो गया फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क। एक इंसान एक दिन में 15 घंटे काम कर रहा है पिछले 3 साल से, अब वो परेशान हो गया बहुत ज्यादा, उसने बेटा 9 घंटे का काम बांट दिया। कितने घंटे का काम रह गया? 6 घंटे का। फ्री हो गया फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क। अब करेगा क्या ये बेटा? जब इससे पता ही है मैंने 6 घंटे काम करना है, आपको क्या लगता है अब मैनेजमेंट कैसा होने वाला है? सर बहुत तगड़ा होने वाला है। तो उसे पता 6 घंटे काम करना है ना, इस काम में मैं और अच्छा करता हूँ, और अच्छा करता हूँ, और इफेक्टिव करता हूँ। वो तो करेगा ही करेगा। और एक बात बता देता हूं, जिस इंसान को आदत हो 15 घंटे काम करने की, वो 6 कैसे करेगा? सर ये खाली नहीं बैठेगा, ये ट्राई करेगा, एक्सेल करेगा इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटीज, ये नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने इस चीज को समझाने के लिए अपना एक एग्जांपल दिया था, और ये सच है जो मैं बोल रहा हूं अब आपको बात। बेटा इनिशियली जब मैंने अपना ऑफिस सेटअप किया था ना, तो सभी काम मैं करता था खुद, सभी काम, मतलब नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न है वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है ना, और सेल्स टैक्स के मैटर वो भी हम देख रहे हैं, केसेस वो भी हम लड़ने जा रहे हैं, ऑडिट वो भी हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। और शाम को मैं बैचेस पढ़ाता था, सर बिजनेस पढ़ाया करता था, किसी टाइम की बात है, ठीक है ना। और एक दिन में मेरी सच्ची बात है 13 से 14 घंटे की ड्यूटी थी, 13 से 14 घंटे, ठीक है ना। फिर वह एक एक्सटेंड में मुझे लगा यार अगर सब काम मैं करता रहूंगा तो मैं कहीं बढ़ नहीं सकता, मुझे छोटे काम तो देने ही पड़ेंगे किसी को। तो हमने स्टाफ रखना शुरू करा, उनको काम डेलीगेट करा, सिखाया, बहुत सिखाया, काम डेलीगेट कर दिया। वो छोटे मोटे काम उनसे कराने लगे, रिटर्न्स वाले, फाइनल, बस फाइनलाइजेशन वो हमें करके देते, हम चेक करते, अपलोड कर देते, ऑडिट हम करने लगे, केसेस हम लड़ने लगे, बाकी हम फ्री हो गए। अब ऑडिट बेटा साल में 1 महीने का प्रेशर ज्यादा है, सितंबर मंथ, ठीक है ना जी, सबसे ज्यादा तो प्रेशर तभी आता है। वो केसेस जब पार्टी के लगे जिस दिन हियरिंग हो उस दिन चले गए, अदरवाइज वी आर फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क, ऐसा प्रेशर ही नहीं है। अब बेटा एक आदमी जिसको काम करने की आदत हो वो खाली बैठ सकता है? वो बैठ नहीं सकता। अब वो क्या करेगा? वो एक्सेल करेगा नई अपॉर्चुनिटीज में। मैंने उसी दम पर बेटा 2 अलग अलग ब्रांचेस खोली अपनी, पहले एक रुड़की ऑफिस सेटअप किया, फिर एक बेहट ऑफिस सेटअप किया, 2 ऑफिस सेटअप कर लिए, ठीक है ना, फिर भी मन नहीं भरा। फिर बेटा बैचेस पढ़ाने शुरू कर दिए, सब्जेक्ट 1 के 2 कर दिए मैंने, पहले बीए बीएसटी के साथ अकाउंट्स पढ़ाया अच्छा, ठीक है ना, उससे भी मन नहीं भरा, लो इको भी ऐड कर दी। तो वो 5 सब्जेक्ट का बर्डन है आज की तारीख में, 11th 12th मिलाकर 3 ऑफिस का बर्डन है, ठीक है ना। ये पॉसिबल क्यों हो पाया बेटा? सब डेलीगेशन की वजह से हो पाया। समझ में आती है बेटा बात? जब कुछ ही काम करना हो ना तो इंसान उस काम को करेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन खाली वो फिर भी नहीं बैठ सकता, वो कहीं ना कहीं एक्सेल करेगा इनटू द न्यू अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है? बढ़ाएं बात को आगे बेटा। सेकंड हेडिंग इज एम्प्लॉई डेवलपमेंट, और उधर ये हेडिंग है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। बाबू देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन, सामने देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉई गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट। बेटा डेलीगेशन की वजह से कहीं ना कहीं लोअर लेवल वालों को भी मौका मिल जाता है कुछ ना कुछ काम करने का, कुछ ना कुछ डिसीजन करने का, अपना टैलेंट शो करने का। देखो बड़े सिंपल सी बात है बेटा, आज मैं इनसे रूटीन जॉब्स कराऊंगा तभी तो बेटा वो स्किल डेवलप होगा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। अगर बेटा कभी रिटर्न ही ना भरवाऊं इनसे और सीधा कहूं जाओ इनकम टैक्स का केस लड़के आते हैं, लड़ लेंगे। जिनको रिटर्न की एबीसीडी नहीं पता हो वो बोलेगा क्या सामने काउंसिल के सामने? ये भी तो समझो आप। तो बाबू डेलीगेशन की वजह से इनको रूटीन जॉब हैंडल करने को मिलते हैं। जब ये सालों साल रूटीन जॉब हैंडल करेंगे, सालों साल खुद डिसीजन मेकिंग करेंगे, रूटीन जॉब से रिलेटेड खुद डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो बेटा एक आदत बनेगी डिसीजन मेकिंग की, और धीरे धीरे दिमाग इतना डेवलप हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएगा। बेटा आपका दिमाग है,
फिफ्थ क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते थे, सिक्स की कर पाते थे, सेवेंथ की कर पाते थे, तभी तो वो डेवलप होते होते आप ट्वेल्थ की कर पाते हो। अगर छोटी प्रॉब्लम ही कभी सॉल्व नहीं की तो बेटा बड़ी प्रॉब्लम कहां से सॉल्व करोगे? ये दिमाग डेवलप तो तभी होगा ना जब छोटी चीजें झेल पाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात? तो बाबू धीरे धीरे बेटा एम्प्लॉय डेवलप हो जाते हैं डेलीगेशन की वजह से, क्योंकि आज रूटीन जॉब हैंडल कर रहे हैं, सालों साल करेंगे तो कभी कॉम्प्लेक्स के लिए भी वर्दी होंगे, कभी बेटा हम इनका प्रमोशन भी कर सकते हैं। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है बात? दो हेडिंग, कोई समस्या तो नहीं? पक्का से? थर्ड हेडिंग है बेटा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। बेटा ये कहता है डेलीगेशन की वजह से एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? मोटिवेट क्यों हो जाते हैं? बाबू देखो दुनिया के 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही चीज से मोटिवेट होते हैं, वो है पैसा। ठीक है ना? आप किसी एम्प्लॉय से बात कर लो, 100 लोगों से मिल लो, 100 एम्प्लॉय से मिल लो, 99 की रिक्वायरमेंट एक होगी, बस मेरे पे पैकेजेस बढ़वा दो, बस सैलरी बढ़ जाए, किसी तरीके से बोनस मिल जाए। 99 को एक ही चीज चाहिए, उनका मोटिवेशन सिर्फ ये। लेकिन दुनिया में बेटा 1% एम्प्लॉय वो भी हैं जिनको मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो किसी ना किसी नॉन फाइनेंशियल चीज से मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना? मैं उस 1% एम्प्लॉय की बात यहां करने जा रहा हूं। बेटा जब टॉप लेवल ने अपनी अथॉरिटी मतलब अपनी पावर या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके साथ शेयर करी ना, तो बेटा मिडल लेवल में के दिमाग में ना कहीं ये आता है कि यार मिडल लेवल पे 20 लोग काम करते थे, मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, मतलब मेरा सुपीरियर, मेरा टॉप लेवल मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है, मुझे ही क्यों काम बांटा, मुझे ही क्यों अपनी पावर दी। सर टॉप लेवल की पावर पाकर भी कई लोग बेटा दुनिया में मोटिवेट हो जाते हैं। सर मैं कह रहा हूं ये तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। ठीक है ना? क्लास में टीचर मॉनिटर भी बना देना तो बच्चे को लगता है अच्छा टीचर की पावर शेयर करने को मिल रही है मुझे, टीचर की अथॉरिटी शेयर कर रहा हूं मैं। बात अलग है कि लंच टाइम में दो लगाते हैं बाहर, तेरी ऐसे ये तैसे, क्या कह रहा था मैं, मॉनिटर बनना था वक्त क्लास में, वो बात अलग है। ठीक है ना? लेकिन उस इंसान को पता नहीं क्या लगता है कि मैं कहां पहुंच गया कि मुझे क्लास टीचर की पावर शेयर करने को मिल गई। सर मैं कहता हूं क्लास टीचर की पावर शेयर करने पर इंसान इतना मोटिवेट हो जाता है, तो सोचो टॉप लेवल की पावर शेयर करने पर क्या होता होगा। ठीक है ना जी? तो बेटा मिडल लेवल टॉप लेवल की ऐसी पावर शेयर करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके भी मोटिवेटेड फील करता है अपने आप को। और एक बात बताऊं बेटा, कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ लॉयलिटी जरूर आ जाती है इसके दिमाग में, यार मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करता है टॉप लेवल तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल रहना है, मुझे ईमानदार रहना, मुझे जॉब नहीं छोड़नी। ठीक है ना? जो भी ऑर्गेनाइजेशन करेगी मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा, वो लॉयल भी बहुत हो जाता है। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है तीनों बातें? पक्का से? बढ़ाएं बात को आगे बेटा। फोर्थ हेडिंग है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ये शायद आज की लास्ट हेडिंग बने, आप सामने देखना। ठीक है ना? आइए देखते हैं बाबू, एक और हेडिंग क्लियर कर देंगे जो कॉमन है, जो अलग वाली है वो कल कर लेंगे। बाबू एक हेडिंग आती है फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। बेटा ये कहता है डेलीगेशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। पहले बेटा मैं वो बात बताऊंगा जो नोट्स में लिखी हुई है, कि मैंने जो नोट्स में बताया कि ग्रोथ क्यों होती है, फिर मैं एक अपना ही लॉजिक दूंगा। ठीक है ना? आप चाहो तो जैसे भी लिख लेना। ठीक है जी? पहले मैं तरफ देखो बाबू, पहले मैं वो बात बता रहा हूँ जो नोट्स में लिखी हुई है। देखो बेटा जब ये पावर बांटी जाती है ना, टॉप लेवल अपनी पावर बांट रहा है, तो ऐसा नहीं होता बेटा एडहॉक बेसिस पे कि कोई भी सामने आया मिडिल लेवल का पर्सन उसको पावर बांटती, ऐसा कभी नहीं होता बेटा। टॉप लेवल जब पावर बांट रहा होता है ना, उसके दिमाग में पक्का से होता है कि इस इंसान की इतनी क्वालिफिकेशन है, इस इंसान का इतना एक्सपीरियंस है, मुझे पावर इसी को देनी है। मिडल लेवल पे बेटा 20 मैनेजर काम कर रहे हैं उसके लिए दिन रात, सबको पावर नहीं मिलेगी, किन्हीं दो को मिलेगी, किसी चार को मिलेगी। और जब वो पावर बांट रहा है उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर है कि जो मैं काम बांटने जा रहा हूं इस फील्ड में, इस मैनेजर ने कभी काम किया हुआ है, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी क्वालिफिकेशन भी उसी फील्ड में, तो मुझे इसी आदमी को काम देना है। यानी कि जो पावर बांटी जाती है बेटा, देयर इज अ सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क। ये सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है बेटा, कोई एडॉक बेसिस पे नहीं हो रहा। एंड डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड टू द स्पेशलाइजेशन। अगर आपने फेयोल के प्रिंसिपल पढ़े हैं तो
अगर नहीं भी पढ़े मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, रट लो बेटा थोड़े दिन के लिए। बेटा ये जो हो रहा है सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, एंड सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड टू द स्पेशलाइजेशन, एंड स्पेशलाइजेशन लीड टू द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ये बात मैंने नोट्स में लिखी हुई है, और अगर नोट की वाली बात में लिखी है तो मेरे पास दूसरा भी बात है क्राइटेरिया समझाने का कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होना तय है डेलीगेशन की वजह से, ठीक है ना। और मैंने थोड़ी सी बात बोल भी दी थी अभी आपको, लो अभी बता देता हूँ बेटा क्यों ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। पहली और दूसरी हेडिंग कंबाइंड करके लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ग्रोथ होती है। ये हेडिंग थी बेटा इफेक्टिव मैनेजमेंट, ये थी एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सर सुन लो, क्या बताया था मैंने पहली हेडिंग में, टॉप लेवल फ्री हो गया फ्रॉम द बर्डन ऑफ रूटीन टास्क। खाली तो बैठेगा नहीं, क्या करेगा, नई अपॉर्चुनिटी तलाशेगा, एक्सेल करेगा नई अपॉर्चुनिटी में। मैंने क्या किया, एक ऑफिस था चल था रुड़की भी ऑफिस बना दिया, खाली बैठ के परेशान हो रहा था, बना दिया ऑफिस पहली हेडिंग की वजह से। दूसरी हेडिंग एम्प्लॉय डेवलप हो गए। जब मैंने इनसे रूटीन जॉब्स कराई तो मैंने देखा कि यार ये धीरे धीरे इनका दिमाग डेवलप हो रहा है, ये कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व। यहीं से बेटा मैंने क्या स्टाफ उठाया अपना, और ये एक्चुअल बात है मेरा ही स्टाफ था, मैंने उसे उठा के पूरा रुड़की का ऑफिस दे दिया। मैंने कहा तू ही संभाल लेगा, मैं नहीं आऊंगा, तू संभाल अकेला। बेटा उसने क्योंकि रूटीन जॉब्स कई साल तक संभाली, उसका दिमाग डेवलप हो रहा था कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, पूरा का पूरा ऑफिस अकेले संभालने लग गया वो। सेम बेहट के ऑफिस के साथ हुआ मेरे, मेरा ही स्टाफ था उसी को दे दिया, मैंने कहा तू मैनेज कर सक। सर कैसे नहीं होगी ग्रोथ, मैं प्रैक्टिकल चीज दिखा रहा हूं आपको जो किसी किताब में नहीं लिखी होती। समझ में आ रहा है ना बेटा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होना तय है डेलीगेशन की वजह से। काम बांटोगे फ्री रहोगे बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, पक्का से। चारों बातें क्लियर हैं, चार हेडिंग की मैंने चर्चा करी बेटा। फिफ्थ हेडिंग अभी रोक दो, ये यूनिक हेडिंग है, ये उधर भी नहीं है। सिक्स्थ खत्म कर लेते हैं, हेडिंग का नाम है बेटर कंट्रोल। मेरी तरफ देखना सर, काम खाली बांटा नहीं जाएगा, सर काम बटेगा नहीं। क्या होगा बेटा, काम बांटने के बाद आपकी जवाबदेही तय हो जाएगी, आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। बाबू आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा फॉर दिस वर्क। अगर गलती से ये काम नहीं हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन के पास सिंपल सा हथियार है, या तो आपका ट्रांसफर कर दो, या आपका डिमोशन कर दो, या आपको फायर कर दो। बेटा कहता है बेटर कंट्रोल बेटर कोऑर्डिनेशन, बेटा इसी वजह से बेटर कंट्रोल बेटर कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया ना तो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन निकाल देगी, या ऑर्गेनाइजेशन उठा के मेरा डिमोशन कर देगी, या ऑर्गेनाइजेशन उठा के मेरा ट्रांसफर कर देगी। इस डर की वजह से कह लो बेटा वो काम करता है ढंग से, और सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड होकर रहते हैं। डर ही है दिमाग में, ठीक है जी। कल आएंगे दोबारा चर्चा कर लेंगे इस हेडिंग की और बची हुई हेडिंग की। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय।